नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हाउ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, राइट? या हम लोग इस टॉपिक को एक दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सर दैट मीन्स आपके पास थर्मोडायनेमिक्स की लॉज होती हैं, सर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एंट्रोपी को इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एंट्रोपी को डिफाइन किया, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिफाइन किया, और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने भी सर किसी ना किसी को डिफाइन किया होगा। डेफिनेटली मेरे बच्चे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने भी दैट मीन्स किसको डिफाइन किया, दैट मीन्स इट टेल्स द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, हमको टेम्परेचर मेजरमेंट करना सिखाया। एक बात। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि सर तो इसका मतलब एक चीज, तो यहां हम लोग देख सकते हैं एक और चीज यहां पर आती है कि सर जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दैट मीन्स हम लोगों को कब आई, कब इजाद हुई? बोले सर इट इज 1930 में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुई, इजाद हुई बाय आर एच फॉल्वर। दैट मीन्स किन्होंने बताया? आर एच फॉल्वर ने 1930। तो इसका मतलब गुरुदेव 1930 से पहले हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट करना नहीं जानते थे। बस ही बात है, 1930 से पहले टेम्परेचर मेजरमेंट होता होगा, बिल्कुल होता होगा, तो इससे पहले हम लोग नहीं जानते थे। बिल्कुल मेरा बच्चा, इससे पहले हम टेम्परेचर को जानते थे मेजरमेंट करना, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों को नहीं पता था कि हाउ द टेम्परेचर इज मेजर्ड। ये हम लोगों को बताया। तो ये किसने बताया? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले, हाउ द दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जो कैसे हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे टेम्परेचर मेजरमेंट दैट मीन्स इसको बोला गया। और एक और चीज हम लोग बोलते हैं कि इट एक्चुअली डिफाइन टेम्परेचर। ठीक है, एक्चुअल में टेम्परेचर जो है वो किसने डिफाइन किया? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो बोला सर 1930 से पहले जो टेम्परेचर की डेफिनेशन थी वो क्या थी, ईच एंड एवरीथिंग में आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में, एंड तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो बोला गुरुदेव सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है क्या? बोले सर इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट? अब इसको कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर क्यों कहा जाता है, अभी हम लोगों को पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पे जाते हैं, जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कहती है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट कहती है कि सर कि व्हेन अ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी, एक बॉडी ए थर्मल इक्विलिब्रियम विद किसके साथ है? बॉडी बी के साथ। एंड बॉडी बी is in thermal equilibrium with body C separately, right? Then a body A and body C also is in thermal equilibrium. ठीक है, तो ये क्या है? thermal equilibrium। तो thermal equilibrium का मतलब अगर मैं बोलूं तो बेटा हम लोग कह सकते हैं कि बोला सर एक क्या होंगे, टेम्परेचर इन दोनों के इक्वल होंगे। क्लियर है, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थर्मल इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। क्लियर है, तो दैट मींस डेफिनेशन से थोड़ा सा नहीं समझ में आता है, हम लोग इस तरीके से समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास बॉडी ए है, बॉडी बी है और बॉडी सी है, तीन बॉडी मेरे पास है। उसने बोला ए और बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जब ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो मैं बोल सकता हूं टी ए इज इक्वल्स टू व्हाट, TB, बोल सकते हैं। बोल हाँ, और बॉडी बी एंड बॉडी सी ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो बोला गुरुदेव हम लोग यहां पर अगेन हम लोग यहां पर यह बात बोल सकते हैं कि व्हाट सर, कि व्हाट? बोला सर
टी बी इज इक्वल्स टू वॉट टी सी. तो थर्मल का मतलब यही होता है. बोले सर हाँ, सेपरेटली सेपरेटली. सो जब टी ए टी बी का टेम्परेचर सेम है, टी बी टी सी का टेम्परेचर सेम है, तो भाई साहब इनका कहना यह है, तो भाई साहब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहना यह है कि सर जो टी ए और टी सी जो है, दीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, दीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, ये दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा. ये किसने बताया मेरे बच्चे, ये किसने बताया, ये हमारे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया. क्लियर है कि सर दो चीजें कॉन्टैक्ट में नहीं है फिर भी उनका टेम्परेचर सेम कैसे हुआ, ये सबसे बड़ी बात यहां पर आ जाती है. क्लियर है, तो अब देखते हैं कैसे. तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, एक तो हम कह रहे हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम इन द बॉडी. तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने सबसे अच्छा दैट मीन्स क्या माना, सबसे अच्छा उन्होंने ये बोला कि दैट मीन्स अ बॉडी बी इज इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अगर मैं बॉडी बी को क्या मान लू, एक थर्मामीटर अगर मैं मान लू, दैट मीन्स इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अ बॉडी के बॉडी इज treated as thermometer. A body is treated as thermometer. अब कहेंगे गुरुदेव thermometer basically आप लोगों ने देखा, बोले गुरुदेव हाँ, डॉक्टर जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर मीटर. तो थर्मामीटर ने क्या किया, थर्मामीटर ने क्या किया, आपका टेम्परेचर नाप के बता दिया. तो थर्मामीटर आपके साथ कांटेक्ट हुआ, तो आप थर्मामीटर आप दोनों के आगे थर्मल इक्विलिब्रियम में आए, तो दोनों का टेम्परेचर दैट मींस इक्वल हुआ, तभी तो थर्मामीटर ने बताया कि हाँ आपका टेम्परेचर 97 डिग्री फारेनहाइट है. राइट, 97 डिग्री आपका फारेनहाइट है. ठीक है, अब सेम थर्मामीटर हम लोग यहां पर भी सेम चीज हो रही है. बी को अगर मैंने थर्मामीटर माना, तो बी को हमने क्या के साथ अटैच किया, ए के साथ, तो ए और बी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा. तो सेम बी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सी के साथ अटैच कर रहे हैं. सेम बी को हम सी के साथ अटैच कर रहे हैं, यानी कहते हैं ए और सी एक ही थर्मामीटर के साथ कनेक्ट हो रहे. जब एक ही साथ कनेक्ट हो रहे तो इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, तो इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम होगा. जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम है तो इन दोनों का टेम्परेचर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, सेम होगा. क्लियर है. सिंपल एग्जांपल अगर तौर पे समझना चाहो तो समझ लो. सपोज दैट मींस जून का महीना है, गर्मी कड़ाके की, दैट मींस गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है. तो हम लोग कह देते हैं कि सर हमने क्या किया भैया, एक हम लोगों ने आयरन की चेयर ले ली. सपोज दैट ये जो है, ए जो है वो आपकी आयरन की चेयर है, और ये जो है सी जो है वो आपकी वुड की चेयर है. इट इज द वुडन चेयर, इट इज द वुडन चेयर, या प्लास्टिक चेयर कह लो, दैट मीन्स वुडन चेयर कह लो या प्लास्टिक चेयर कह लो. और ये क्या है आपके गुरुदेव हैं, ये क्या है आपके गुरुदेव हैं, सन, सूरज देव जो है वो दैट मीन्स आप बैठे. तो आपने छत पे क्या किया, आपने छत पे दोनों चेयर को दैट मीन्स रख दिया, एक आयरन की चेयर ले ली और एक आपने वुडन की चेयर ले ली. तो मैं कहना चाहूंगा एक घंटे के बाद अगर आप इन दोनों को, आपने इस चेयर को सन के ऊपर आप छत पे रख दिया, तो दैट मीन्स अगर आपको कोई दुश्मन है तो आप इन दोनों में से किस चेयर पे बैठाना पसंद करोगे. तो सब लोग कहेंगे सर हम आयरन की चेयर पे बैठाना पसंद करेंगे. क्यों? क्योंकि गुरुदेव इसलिए. तो आपको क्या लगता है दोनों सन के कंपैरिजन में है, दोनों सन के कंपैरिजन में, तो मैं बोलूंगा दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा. बट हमको ये फील ज्यादा हॉट होगा, ये फील हमको कम हॉट होगा. क्यों हॉट होगा, क्यों? क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी थर्मल, आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है. जब आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो यहां पर फास्ट होगा एज कंपेयर टू वुडन. वुडन की थर्मल कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल के बराबर है, दैट्स व्हाई हम इसको इंसुलेटर यूज करते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट हम लोग बोलते हैं. लेकिन ये की थर्मल कंडक्टिव है तो जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होगा बहुत फास्ट होगा, तो इसलिए आपको ये क्या लगेगा, गर्म लगेगा. और ये आपको क्या लगेगा, दैट मींस उसके कंपैरिजन में इतना गर्म आपको नहीं लगेगा. बट इन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा,
सेम सेम सेम, गॉट इट मेरे बच्चे? तो दैट्स व्हाई यहां से हम लोगों को पता चला कि बोथ द बॉडीज आर नॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट, बोथ द बॉडीज आर नॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट, बट फिर भी दोनों का टेम्परेचर सेम है. क्यों? क्योंकि सर दोनों ही क्या रखी हैं, एक ही मीडियम में रखी हैं. ये दैट मीन्स किसने बताया? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया. क्लियर है? अब हम लोग यहां पर ही हम लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, होप सो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी. तो हम लोगों ने बोला कि सर हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि इसको कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर क्यों बोला जाता है. 1930 से पहले जो टेम्परेचर की डेफिनेशन होती थी मेरे बच्चे, 1930 से पहले जो आपकी टेम्परेचर की डेफिनेशन थी वो ये होती थी कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, इफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल molecule is more then the temperature is more, or average kinetic energy of the molecular is less then the temperature is less. पहले हम लोग 1930 से पहले हम लोग ये समझते थे कि जिस जो भी जिसका भी temperature आपको देखना है कि भाई इसका high temperature है या इसका low temperature है, तो हम लोग simply ये देख लेते कि सर average kinetic energy of the molecule अगर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी उसकी मॉलिक्यूलर उसकी मॉलिक्यूल की ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल अगर कम है तो उसका टेम्परेचर कम होगा. हम लोग पहले ये समझते थे, लेकिन जैसे ही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों के पास आई तो हम लोगों को ये पता चला क्या कि टेम्परेचर जो बेसिकली क्या है कि टेम्परेचर इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. जो टेम्परेचर है मेरे लाल, जो टेम्परेचर है वो क्या है? बोलो सर, इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है दैट डिटरमाइन वेदर और नॉट अ सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अदर सिस्टम. तो थर्मो टेम्परेचर क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो हमको यह बता देता है कि सर दूसरा जो सिस्टम है वो उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है. यहीं से हमको थर्मामीटर मिला, यहीं से हम एक्चुअल में थर्मा टेम्परेचर को मेजर करना स्टार्ट किया. हमने थर्मामीटर लेते हैं, थर्मामीटर को अपने साथ अटैच करते हैं तो एक्चुअल में बता देता है ना कि आपका टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं. तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको ये बताएगी कि आप जिस भी सिस्टम को किसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है. और अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो एग्जैक्ट टेम्परेचर आपको मिल जाएगा कि जो मेरी बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो हम लोग आपको बता सकते हैं. इस तरीके से दैट मींस दिस तरीके से हम लोगों को टेम्परेचर मेजरमेंट करना आया. उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास जैसे ही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई उसके बाद हमारे पास बहुत सारे टेम्परेचर स्केल आए. जैसे आप लोग देखते हैं सेल्सियस स्केल जो अभी आप लोग मेजर करते हैं, डॉक्टर जो मेजर करता है वो फारेनहाइट स्केल में यूज करता है, रैंकाइन स्केल आपने देखे, तो बहुत सारे टेम्परेचर स्केल आए. उनसे फिर हमने डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने टेम्परेचर मेजरमेंट करना सीखा. तो होप सो आपको क्लियर हुआ कि हाँ सर एक्चुअल में टेम्परेचर की डिफाइन क्या है. ये जो डेफिनेशन थी इट इज आफ्टर 1930 के बाद हम टेम्परेचर को ऐसे मेजर करने लगे. तो अगर हम लोगों ने यही देखा ना, अगर हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन नहीं करते तो ये दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी इन दोनों का टेम्परेचर सेम है. क्यों? क्योंकि सर ये एक ही मीडियम में है. वही थर्मामीटर वाली बात, ये थर्मामीटर हमने इसके लगाया, इसने इसका टेम्परेचर लगाया, सेम थर्मामीटर हम इसके साथ लगा रहे हैं, तो ये इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इक्वल. जब इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल, इन दोनों का टेम्परेचर, तो हम कह सकते हैं टी इक्वल टू टीबी, टीबी इक्वल टू टी, तो टीबी इक्वल है, तो हम लोग कहते हैं टी ए टी सी बी क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो ये क्या था? इट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर. राइट मेरे बच्चे, राइट? और याद रखिएगा, कई बार दैट मींस पूछ लिया जाता है कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कब आजाद हुई, तो आप कह सकते हैं इट इज इन 1930, और हम लोग कह देंगे किसने हमें इनके बारे में बताया, तो हम लोग कह देंगे दैट मींस देयर इज अ आरएच फॉलोवर. कई जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होते हैं उनमें दैट मींस हम लोग
ये देखते हैं कि ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया, सेकंड लॉ ने एंट्रोपी को डिफाइन किया, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने दैट मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिफाइन किया, तो फर्स्ट लॉ जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने किसको डिफाइन किया, तो आप कहेंगे दैट मींस देयर इज अ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, डिफाइन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो लिख देंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइन, यहां लिख देते ना, इज डिफाइन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सीधा सीधा कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, गॉट इट। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बार बात, दैट मींस अगर आपको कोई भी दैट मींस टॉपिक क्लियर नहीं होता है और आप चाहते हैं कि सर हाँ इस टॉपिक पे आप हमारे लिए वीडियो बनाइए, तो आप ऑफलाइन कमेंट करके वो दैट मींस टॉपिक हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सो दैट फिर मैं आप लोगों के लिए उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।